और हम भाई सारे भाई बहन है और ये बहन बड़ी देर से बात देख रही थी, इसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ से हो बहन आप? मैं उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान। चलो तो आप बताओ, क्वालिफाई हो गया है? हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा अभी तक, बट मेहनत की है तो फाइनली हो गया क्वालिफाई। अच्छा, कैसे क्या बहन आप शुरू से प्रोसेस बताओ, ताकि जो भी पहला दिन आज की हम लोग जैसे सुबह हमको 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम देना था, हम लोग आ चुके थे और एंट्री भी हो गई हमारी टाइम पर, और फिर अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही फिलअप वगैरह करवाते, 1-2 घंटे उसमें लग गए। देन उसके बाद 800 मीटर हो गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, बस यही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा उन्होंने। प्लस फोटो कितनी लगती है बहन? फोटो वैसे तो एक ही लगी थी, बट आप एक्स्ट्रा लेके जाए 2 या 3 फोटोज, और जो एसटी एरिया से है या फिर हिली एरिया से है उनको हाइट रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट मांगा है बस। और फिर हमारी 800 मीटर रेस हुई, उसके जस्ट बाद ही 100 मीटर करवा दी उन्होंने, हाँ साथ ही करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हमको 1-2 घंटे का गैप मिला फिर लॉन्ग जंप। मतलब जो 800 मीटर हुई बहन, वो ट्रैक कैसा था? ट्रैक मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा था, कंक्रीट वाला। हाँ कंक्रीट वाला था ट्रैक, और मेरी वहाँ पे जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरी 3:52 आती थी टाइमिंग, यहाँ पे मैंने 3:39 में ही कर दी थी कम्प्लीट, और 100 मीटर मेरा टाइमिंग आ नहीं रहा था प्रैक्टिस में, लेकिन मेरा यहाँ पे हो गया, मैंने 17 सेकंड में ही कंप्लीट कर दिया। कितने दिन आपने तैयारी करी थी इसके लिए? मैंने की है मैंने 2-2.5 महीने। अच्छा 2-2.5 महीने जब जाके ये टाइमिंग आया, तो जो 800 मीटर में और इसमें सब जो होता है आपका, इसमें कुछ टाइमिंग दे है बीच में, इनके बिटवीन कितना गैप है रेस्ट का? 1600 नहीं, 800 मीटर और 100 मीटर में ये लोग गैप नहीं दे रहे। 800 मीटर हुआ आपको 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का गैप देंगे। अच्छा। वो उसके बाद ही 100 मीटर करवा। कुछ मैंने ये कह रही थी कि शुरू में जो ग्रुप से उनमें टाइम था, जो 5वां 6ठा बैच बना उसमें टाइम नहीं दिया, आपका कौन सा था? मेरा फर्स्ट बैच था। अच्छा, अच्छा। और हमको नहीं दिया टाइम उसमें, उसके बाद 100 मीटर में काफी सारी डिस्क्वालीफाइड हो गई थी गर्ल्स। हाँ यही एक लड़की ने मुझे बोला, मैं काफी सारी क्योंकि 157 रजिस्ट्रेशन हुए थे अंदर, 157 गर्ल्स थी उसमें से सिर्फ 45 का ही सिलेक्शन हुआ है, 45 का हुआ है, और 47 ही लॉन्ग जंप तक पहुंच पाई है, उससे पहले डिस्क्वालिफाइड हो गई थी, 100 मीटर में ही सब डिस्क्वालिफाइड हो चुकी। मतलब एक ही वो रीजन बस कि वो 100 मीटर का ही, 100 मीटर में। और लॉन्ग जंप में सिर्फ 3 गर्ल्स को बाहर किया, 50 हुई थी उसमें से 3 गर्ल्स आउट हो गई लॉन्ग जंप में, हाई जंप में कोई बाहर नहीं हुआ, सबने क्वालिफाई कर लिया था। और है ना स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छा था और सब कुछ बढ़िया था। मतलब हाई जंप में जो पोल लगा रखा था वो टेढ़ा ज्यादा मुड़ा हुआ था, स्ट्रेट था बिल्कुल, अच्छे वाला स्ट्रेट ही था, और मेरे को ज्यादा नहीं लगा, उन्होंने बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट लगा रखा था, ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा था। और लॉन्ग जंप में मेरा वैसे मैं प्रैक्टिस करती थी तब एक बार में हो जाता था, लेकिन यहाँ पे फाउल हो गया मेरा 2 बार, तो 3rd अटेम्प्ट में हुआ मेरा, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा था कि बस हो जाना चाहिए, घबराहट हो गई, घबराहट हो गई बहुत ज्यादा, लेकिन हो गया। और हाई जंप तो एक बार में ही क्वालिफाई हो गया था मेरा। चलो सब अच्छा हो गया, स्टाफ भी आपने बताया बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बहुत कॉपरेट। हाई जंप में कैसे भी कूदो, कैसे भी राइट लेफ्ट स्ट्रेट, डॉल्फिन टाइगर, डॉल्फिन टाइगर, सीजर जंप, जो आपको लेना। रनिंग में टाइम वगैरह बता रही है, लिखा हुआ कुछ कितने मीटर? रनिंग में वो लोग टाइम है ना, वैसे माइक चालू था तो उससे आपको आवाज आ जाएगी, बोलते रहते हैं वो, गाइड करते रहते हैं कितना हो गया, लेकिन एक ही ट्रैक है 800 मीटर का, तो बॉयज के लिए 2 राउंड और हमारे लिए एक ही राउंड था। आप सीधे सीधे दौड़े बस? बस सीधे नहीं, वो स्क्वायर शेप का है। अच्छा अच्छा। तो इतना ज्यादा वो लगा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है, जल्दी मतलब जल्दी से हो गई थी रेस। कितने लड़कियों का ग्रुप था? एक हमारा 25 का था, 25 को भगा रहे हैं, 6 बैचेस थे ये, जो 6 बैचों की रनिंग टोटल कितना टाइम लग गया होगा इसमें? 12 बजे तक, 11-10 बजे तक? हम लोग 10:30 तक ना 11 बजे तक हो चुका था रनिंग सभी, वाला, रनिंग सब वाला सब हो ऐसा था। है क्या, जो पहले आओ तो पहले बैच मिल जाएगा? हाँ, उसको हाँ ऐसे ही मिलेगा, हम लोग सुबह 5:30 आ गए थे तो हमको मिल गया पहला बैच, मेरे ख्याल से पहला बैच लो तो बेस्ट है, लास्ट वाली बैच मतलब एनर्जी डाउन हो जाती है, लॉन्ग जंप तक हमें भी बैठाए रखा तो हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है, खाने पीने के कुछ भी नहीं ले जाने, लोगों ने 6 घंटे से ना कुछ खाया, बस पानी उन्होंने सुविधा कर रखी है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हम इतनी सारी चीजें लेके गए लेकिन कुछ भी नहीं।
हमको बाहर ही रखवा दिया था। चलो मैंने बड़ी अच्छी जानकारी दी और स्टाफ आपने बताया बढ़िया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत कोऑपरेटिव है, बस आप लोग भी डिसिप्लिन बनाए रखना ऐसा है। चलो थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बहनों का भाई होगा, भाई खुश हो गए, बहुत खुश, टिक्का लगा के आया था भाई, टिक्का लगा के आए थे उदयपुर। चलो जय श्री राम। हाँ प्रार्थना करो, और नियत है, और बहन ने मेहनत है। हाँ एक लिए प्रार्थना कुछ नहीं करती, ढाई तीन महीने ये बहन बता रही है, जो इन एफर्ट करे उसी का ये रिजल्ट है। चलो थैंक यू बहन, क्या नाम आपका? दिव्या सुवालका। दिव्या सुवालका। चलो भाई इस बहन का सब अच्छा होता रहेगा, तो एक दिन लगने के बाद भी इंटरव्यू जरूर लेंगे, फुल इंटरव्यू देंगे। हाँ भाई थैंक यू। तो भाई इस बहन ने भी बड़ी अच्छी जानकारी दी, और भाई बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बहन बोली है, उम्मीद है भाई सिलेक्शन हुआ है। और भाई देखो घबराने की जरूरत नहीं, सब अच्छा हो रहा है भाई, और जो भी बच्चा रह भी गया है उसने भी भाई डिमोटिवेट नहीं होना, ये तो चलता रहता भाई, प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है भाई, फेलियर तो है सक्सेस में, तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। और भाई यहाँ रहने रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, बढ़िया सुविधा है भाई रहने के लिए। मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी दोपहर में उसमें सारी बात बताई है भाई, स्क्रीन पर नंबर भी लगा दिया है, ताकि किसी भी भाई बहन को असुविधा ना हो भाई, ये 10 दिन चलेंगे और उसके बाद भी जो भी चलेंगे, जट उसाना में कोई असुविधा नहीं है भाई, बढ़िया है रहने का, ये भाई हैं अपने भाई, अच्छी तरीके से रह रहे हैं भाई, साफ सुविधा सुथरे तरीके का, पक्के रूम में पंखा, ठीक है, नहाने धोने की कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो ये बतानी थी भाई इस वीडियो में, ये जानकारी दी, सभी भाइयों को धन्यवाद, बने रहो भाई।